हेलो एवरीवन माय नेम इज़ जितेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग एंड द टॉपिक विच विल वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज गोइंग टू बी अकोस्टिक्स एंड साउंड इंसुलेशन सबसे पहले वर्ड अकोस्टिक का मीनिंग समझते हैं तो अकोस्टिक का मीनिंग आप बेसिक बेसिक में ले सकते हैं साउंड से मतलब कि आवाज़ से जो हमें आवाज़ सुनाई देती है उसका ओरिजिन कैसे हुआ उत्पत्ति कैसे उसका प्रपोगेशन यानी कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज़ पहुंचती है यानी कि एक कमरे में टीवी चल रही है दूसरे कमरे में उसकी आवाज़ आना बाहर किसी के लोगों की बात करना बाहर किसी के कोई रोड व्हीकल वगैरह जा रहा है आपको उसकी आवाज़ सुनते ही पता लग गया कि ट्रैक्टर जा रहा है बाइक जा रही है ठीक है तो उन सब की स्टडी के एनालिसिस को ही हम क्या कह देते हैं अकोस्टिक और हमें अकोस्टिक की स्टडी क्या क्यों चाहिए मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी आप मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर रहते हैं बहुत बड़ी माले की घर में रहने वाली बिल्डिंग के अंदर रहते हैं इसमें बहुत सारे फ्लैट हैं ठीक है नीचे वाले घर में टीवी चल रही है कोई बच्चा बैठा है आराम से फुल तेज आवाज में टीवी चलाकर बैठा है ऊपर वाले जो वहां पर हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी सिविल सर्विसेज में या फिर कोई कंपटीशन अदर एग्जाम की तो उनका शोर वगैरह आ रहा है तो जो रूम का पर्पस था एक सेपरेट रूम का एक प्रिविय का जो पर्पस था ठीक है बिल्डिंग बनाने का पर्पज क्या था हमारा कि एक हमें प्रीवसी मिले सेपरेट रूम मिले सेपरेशन मिले वो पर्पज वहां पर खत्म हो जाता है तो उसको पर्पज को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन सी स्टडी आती है अकोस्टिक की जिसके अंदर हम साउंड की स्टडी करते हैं और साउंड का किस तरह से बिहेवियर होता है यानी कि उसका प्रपोगेशन कैसे होगा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुंचती है और उसका हम प्रूफिंग कैसे कर सकते हैं यानी कि साउंड का इंसुलेशन उसकी साउंड प्रूफिंग या फिर हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर कट कैसे कर सकते हैं कि एक रूम के अंदर बैठे मैं बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही या इस रूम में मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इस रूम की आवाज मेरे जो आवाज है वो इस रूम से बाहर नहीं जा पा रही ठीक है तो इन टेक्निक्स को हम बोलते हैं साउंड प्रूफिंग ठीक है उसके लिए अदर जो मेथड आ जाते हैं वो साउंड एब्जॉर्बशन वगैरह जो भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले ओके तो चलिए अकोस्टिक के बारे में देखते हैं क्या है बेसिकली यू कैन See here, acoustic मैंने क्या बताया इट इज दिजन उपोगेशन की साउंड रूम से रूम नंबर टू में किस तरह पहुंच रही है ठीक है तो इसका प्रपोगेशन और उसके बाद साउंड का सेंसेशन कैसे होता है अलग अलग साउंड अलग अलग तरह की सुनाई देती है कि एक छोटी घंटी और एक बड़ी घंटी जो बेल है हमारी उनकी आवाज भी अलग सुनाई देती है तो उनकी सबकी स्टडी भी कौन बताता है हमें हमारा साउंड अकोस्टिक्स बताते हैं ठीक है अब हमें इनकी स्टडी क्यों करनी है ताकि हम एक अच्छे रूम्स वगैरह की अकोस्टिकली डिजाइन वहां पर कर पाए मान लीजिए आपको एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चाहिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या आप ये चाहेंगे कि वहां पर एक बेचारा कोई गाना गा रहा है और बाहर से आवाज आती रहे उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं उनकी आवाज़ बीच में आ रही है अब बहुत ही मधुर सॉन्ग सुन रहे होंगे लेकिन बीच में आपको अचानक से स्ट्रीट वेंडर की साउंड आएगी तो कितना मतलब डिस्टर्बिंग लगेगा और उसके साथ कंसंट्रेशन के हिसाब से भी कोई स्टूडेंट अंदर पढ़ाई कर रहा है बाहर की बहुत ज्यादा साउंड आती है तो उनकी साउंड प्रूफिंग के लिए भी हम अकोस्टिक डिजाइन की स्टडी करते हैं ठीक है थीके? अब हमें जरूरत क्यों पड़ी नीड तो नीड अगेन आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें डिजाइन करने हैं फंक्शनल ऐसे डिजाइन करने डिजाइन हो बाहर की साउंड अंदर ना आए अंदर की साउंड बाहर ना जाए वहां पर नॉइज का रिडक्शन हो जाए नॉइज यानी कि नॉइज भी एक टाइप ऑफ साउंड होती है ठीक है यानी कि शोर नॉइज का मतलब होता है शोर ऐसी साउंड ऐसी आवाज जिसको सुनने के बाद हमारे को डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए इरिटेशन पैदा हो ठीक है तो उस तरह के जो साउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं नॉइज कहते हैं ओके तो हमें इनका डिजाइन क्यों करना है ताकि हम थिएटर का डिजाइन कर पाए यहां देखिए ताकि हम क्या कर पाए थिएटर्स का डिज़ाइन सिनेमा हॉल का डिज़ाइन ऑडिटोरियम का डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस हॉल का ठीक है थिएटर सिनेमा हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल आपको पता होंगे ऑडिटोरियम वो होते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस और हमारे नॉर्मल जो थिएटर्स बने होते हैं ना उनके अंदर बैठने की जो इस तरह से व्यवस्था होती है यूं वाली कि सामने स्क्रीन्स लगी हुई है उसके बाद बैठने की जो व्यवस्था है उन्हें क्या बोल देते हैं हम ऑडिटोरियम्स बोल देते हैं ऑडिटोरियम के अंदर जनरली वहाँ पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर कॉलेज के सेमिनार्स ठीक है या फिर वहाँ पर एनुअल फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन्हें बोलते हैं ऑडिटोरियम सिटी सेंटर जो हमारे सिटीज के अंदर होते हैं बड़ी सिटीज के अंदर जो सिटी सेंटर बने होते हैं उनमें भी ऑडिटोरियम का प्रोविजन वहां पर अवेलेबल होता है ठीक है कोई भी पब्लिक लार्ज पब्लिक गैदरिंग के लिए फॉर एंटरटेनमेंट परपज जो प्लेस यूज किया जाता है उसे हम बोल देते हैं हमारा ऑडिटोरियम ओके okay? और हॉस्पिटल वगैरह में भी आपको पता है कि बाहर का शोर आना नहीं चाहिए बेचारा नींद की गोली लेकर जो बेचारा सोया पड़ा है वहाँ पर मरीज हमारा बाहर अगर बहुत शोर चल रहा है हमने अकोस्टिकली डिज़ाइन नहीं किया है या फिर आसपास के रूम में कोई चिल्ला रहा है तो उन सबकी साउंड जो वहाँ पर अवेलेबल पेशेंट्स हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाएंगे हम ठीक है तो उसके लिए हम ऑकोस्टिक डिज़ाइन यानी कि इस तरह का डिज़ाइन करना कि बाहर की साउंड अंदर ना आए और साउंड का प्रपोगेशन इस तरह से हम उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए ओके तो साउंड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पर ठीक है लेट मी चूज माई पेन हेयर तो साउंड सुनाई कैसे देती है एक्चुअल में तो साउंड एक तरह की लोंगीट्यूडनल वेव है ठीक है आपको मैं बता दू साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है दो तरह की वेव होती है एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल दूसरी होती है लेटर वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल जिन्हें आप अनुदरिया भी कह देते हैं हिंदी में तो उस तरह की वेव जिनका प्रोपोगेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर चलता है और उनकी जो वेव लेंथ होती है ठीक है इनकी जो वेव लेंथ होती है या तो उनके ऊपर से क्रेस्ट टू क्रेस्ट की या फिर ट्रफ टू ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोल देते हैं वेव लेंथ और वेव लेंथ काफी हाई होती है यानी कि लगभग एक मीटर से ऊपर की भी इनकी साउंड वेव की वेव लेंथ होती है इसी वजह से साउंड वेव्स ईजिली मुड़ जाती है और हमारे रूम्स के अंदर गेट वगैरह के थ्रू अंदर सीधी आ जाती है ठीक है कि आपने देखा होगा कि, कि लाइट की जो वेव होती है ठीक है इस तरह से रूम का जो गेट है अगर लाइट बाहर से आ रही है तो वो तो बिल्कुल सीधी सीधी परपोगेट करती है जहां लाइट गेट था उसके बाहर तो क्या दिखेगी सिर्फ और सिर्फ शेडो दिखाई देगी सिर्फ यहाँ पर गेट के आसपास ही आपको लाइट दिखाई देगी लेकिन साउंड में क्या होता है कि एक बंदा ऐसे रूम के बाहर कहीं खड़ा है और कुछ ना कुछ बोली जा रहा है तो आपको रूम के अंदर चाहे कहीं भी बैठो अगर आपने अकोस्टिक डिजाइन नहीं किया फिर भी आपको उसकी साउंड सुनाई देती है ठीक है तो साउंड की सुनाई देने का रीजन क्या होगा एक तो इसकी लॉन्गिट्यूडल वेव wave, दूसरा वेवलेंथ लेंथ एक मीटर से ज्यादा होगी ठीक है अब ये साउंड वेव प्रोपोगेट कैसे करती है इसको चाहिए मीडियम माध्यम चाहिए इसको ठीक है इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए जैसे लाइट वेव को हमारे प्रोपोगेट करने के लिए लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ठीक है लेटर वेव में आ जाती है तो उस चक्कर से उसको तो हमारे को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती प्रपोगेशन के लिए लेकिन साउंड को प्रपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है मीडियम हमें कैसा चाहिए डेंस मीडियम चाहिए लेकिन डेंस तो होता नहीं तो एयर हमारे पास प्रेजेंट है एयर के अंदर देखिए इस तरह से छोटे छोड़ छोटे पार्टिकल्स हैं ठीक है जैसे ही साउंड वेव इसके ऊपर टकराई तो पार्टिकल क्या करते हैं ये वाइब्रेट करते हैं यानी कि कंपन करते हैं ठीक है अब इसने वाइब्रेशन किया अब ये वाइब्रेशन अपने पास वाले पार्टिकल को पहुंचाता है इस तरह से वाइब्रेशन आगे पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वाइब्रेशन कहा जाता है ह्यूमन ईयर तक इधर पहुंचता है ठीक है तो इधर इंसान प्रेजेंट है थोड़ा सी गंदी शक्ल बनाई है मैंने बट कोई बात नहीं इसके कान तक ये आवाज पहुंचती है और उसके बाद ईयर ड्रम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है यानी कि कान का जो पर्दा होता है ना उसके ऊपर आवाज ऐसे कंपन करके पहुंचते है, वाइब्रेट होके पहुँचते हैं तो ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करते हैं तब तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी सिस्टम अरेंजमेंट है उसके कारण हमें वहां पर साउंड फील होती है ठीक है क्या होता है वहां पर फिर वो साउंड फील होने लग जाती है अगर वो साउंड पीरियोडिक है रेगुलर है और थोड़े से लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो रही है तो वो तो कैसी होती है हमें प्लीजिंग इफेक्ट देती है यानी कि सुनने में बड़ी अच्छी लगती है फॉर एग्जाम्पल आपका गाना जब चलता है गाने में क्या होता है रिपीटेशन आता है ऐसे नहीं होता कभी मैं गाने में चिल्लाने लग गया कभी एकदम चुप हो गया कभी बिल्कुल तीखी सी आवाज़ दे दी तो एकदम सिंपल पीरियोडिक मोशन यानी कि बार बार गाना इस तरह से एक वेव चल रही है आप गाने को कभी सुनते हो तो कैसे लगता है एक वेव सी चल रही है एक तरंग सी चल रही है ठीक है एक साउंड की तरंग चल रही है लेकिन अगर वही आपको कोई शोट आवाज के लिए चिल्लाए कभी उसकी आवाज तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं रोते हैं तो उनकी आवाज साउंड हमें कई बार इरिटेटिंग लगती है या फिर गाड़ी वगैरह चला रहे थे कभी बाइक की साउंड होगी हॉर्न की साउंड होगी ठीक है ये पीरियोडिक साउंड नहीं है तो इस तरह की साउंड को हम क्या बोल देते हैं नॉइज कह देते हैं यानी कि शोर कह देते हैं ठीक है ठीके? इस तरह की साउंड को बच्चों हमने क्या कहा नॉइज कहा यानी कि जो कि इरेगुलर है और जो ऐसा इफेक्ट डालती है जिसकी वजह से हमें क्या होता है इरिटेशन होता है ठीक है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है तो उस तरह के साउंड को हम क्या बोल देते हैं नॉइज कह देते हैं जनरली जो नॉइज के सोर्सेज होते हैं वो नॉन पीरियोडिक मोशन के होते हैं यानी कि ऐसे वहां से साउंड जो ओरिजिनेट हो रही है उसका कोई पीरियोडिक मोशन नहीं यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पर वो साउंड जनरेट नहीं हो रही कभी जनरेट हो जाती है कभी नहीं होती ठीक है तो उस तरह के जो साउंड है आपको नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी हो आसान भाषा में तो ऐसी आवाज जिसकी वजह से आप तंग हो जाए आपको इरिटेशन फील हो उसी को हम शोर यानी कि नॉइज कह देते हैं ठीक है चलिए करेक्टिक ऑडिबल साउंड पढ़े हम आपको ऑलरेडी बता दिया मेरी साउंड जो वेव है किस तरह की वेव है साउंड वेव मेरी एक लौंगी वेव है यानी कि अनु वेव है यानी कि जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन यानी कि प्रपोगेशन कर दिए साउंड वेव के अगर आपको पता हो तो थोड़े से बता देता हूं कि इस तरह का कॉम्पोनेट जो यहां पर जीरो से लेकर मैक्सिमम जो एनर्जी का कॉम्पोनेट होता है उसे हम बोल देते हैं amplitude. ठीक है ऊपर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे बोल देते हैं क्रेस्ट सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसे बोल देते हैं ट्रफ क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस अधिकतम हाइट होती है उसे बोल देते हैं हम वेव हाइट ठीक है कि दो क्रेस्ट या फिर किन्हीं दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं वेव लेंथ कह देते हैं ठीक है तो इस तरह से इसके साउंड के कुछ पार्ट्स होते हैं ये आपको बता दिए मैंने कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो इसे इरेस कर देते हैं हम जब मैं ऐसे इरेस वगैरह करूं ना आप सिंपली डबल टैप करके स्क्रीन पर दस सेकेंड आगे कर लिया करो जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा ठीक है तो साउंड वेव क्या बताएं? मैंने आपको वेव किस तरह से मोशन होता है उसका पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से ठीक है साउंड वेव है पार्टिकल इसमें आगे पीछे जा रहे हैं इस तरह से अपनी पोजीशन से आगे पीछे मोशन कर रहे हैं तो बेसिकली उनके अंदर क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन ह्यूमन ईयर के ड्रम तक जाते हैं ह्यूमन ईयर ड्रम तक जाएंगे वो अगेन वाइब्रेशन करेगा दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल आएंगे वो दिमाग तक पहुंचते हैं बोलते हैं

मीडियम यानी कि माध्यम के अंदर फ्लो करिए बेसिकली एयर के अंदर हालांकि साउंड कहीं भी मोशन कर सकती है आपने कभी बचपन में ट्राई भी किया होगा कि लोहे वाली जो हमारी पानी की पाइप होती है उसकी एक कान एक जगह हम ऐसे कान रखते थे और बहुत दूर कोई बंदा उसको ऐसे नोक कर रहा होता था इम्पैक्ट डाल रहा हो रहा था उसके ऊपर तो हमें थोड़ी थोड़ी उसकी आवाज़ आती थी लेकिन उतनी दूर से कोई नॉर्मल बोले तो उतनी क्लियर हमें आवाज़ नहीं आएगी तो इससे हमें ये पता लगता है कि साउंड का मोशन जितना ज्यादा डेंस यानी कि घना मीडियम होगा उसका प्रपोगेशन उसका मोशन उतनी ही तेजी से होगा उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी गति उतनी ही तेज होगी ठीक है तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है एक तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है और दूसरा टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है और यहाँ पर आपको बता भी रखा है कि साउंड जो हमारी है सॉलिड और लिक्विड के अंदर एयर से ज्यादा तेजी से प्रपोगेशन करती है ठीक है हालांकि ये होता है कि हमारे अब सोलिड की वजह से वहां पर अगेन वाइब्रेशन नहीं हो सकते ठीक है अगेन वहां पर वाइब्रेशन नहीं होगा वाइब्रेशन नहीं होगा तो एयर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे हमारे ईयर ड्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए हम नॉर्मल वहां पर मटेरियल का यूज़ करके यानी कि डेंस मीडियम का यूज़ करके साउंड को एयर के बीच से नहीं सुन सकते एयर एक हिसाब से वहां पर कैविटी का, का काम कर देती है ठीक है आया समझ आपको चलिए और एक चीज आपको बता दें क्योंकि साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है ठीक है कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है माध्यम की जरूरत पड़ती है इसलिए साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती अब हम सिविल इंजीनियर ने क्या किया इस मीडियम को यूज करके ये जो छोटा सा पॉइंट आया कि वैक्यूम के अंदर यानी कि वहां पर पार्टिकल अगर कम हो ठीक है पार्टिकल कम हो तो वहां पर साउंड परपोगेट नहीं कर पाएगी अच्छे से तो इसका हमने यूज कर दिया ठीक है इस छोटे से कंसेप्ट का यूज करके हमने सिविल इंजीनियर ने क्या कर दिया डिजाइन बनाने तैयार कर दिए कैसे तैयार किए या तो हमने साउंड को पूरा ही रिफ्लेक्ट करा दिया बाहर ऐसा हार्ड मीडियम प्रोवाइड करा दिया रूम के बाहर खिड़कियां वगैरह है नहीं साउंड बाहर से रिफ्लेक्ट होके ठीक है परावर्तित होके चलेगी या फिर हमने क्या कर दिया एक ऐसा स्पंजी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया खोखला माध्यम जिसके अंदर अगर साउंड जाती है तो उसकी एनर्जी के अंदर लॉस ज्यादा होगा एनर्जी में लॉस ज्यादा होगा तो प्रपोगेशन दूर तक नहीं कर पाएगी ठीक है एनर्जी लॉस ज्यादा होगा तो हमें ढंग से सुनाई नहीं दे पाएगी तो बेसिकली वहां पर साउंड की प्रूफिंग कर दी उससे ठीक है तो हमने इस मीडियम का यानी कि इस छोटे से कंसेप्ट का यहां पर यूज किया चले आगे देखें साउंड की जो वेलोसिटी होती है अलग अलग माध्यम में कितनी कितनी होती है तो एयर के अंदर प्योर वाटर में यहां देखिए आप एयर के अंदर प्योर वाटर में ब्रिक्स में कंक्रीट में इनकी वेलोसिटी दे रखी है ठीक है हवा के अंदर की आपको बेसिकली याद रखनी है बाकी आप याद ना रखो तो भी चलेगा हवा के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है वो होती है लगभग तीन सौ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ठीक है अब यहां पर हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बिहेवियर ऑफ साउंड विथ डिफरेंट सरफेसेस ठीक है तो एक चीज नोटिस करना बच्चों यहां पर मैंने डायग्राम बनाया आपको डायग्राम देखते याद आ रहा होगा ये किस चीज का डायग्राम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओके जो प्रकाश का परावर्तन जिसे आप कह देते हैं दिस इज डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो मेरे जो साउंड का प्रोपोगेशन होता है ना वो एग्जैक्टली exactly सेम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसे ठीक है कुछ स्पेशल केसेस में मेरे पास यहां पर अलग आ सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरा साउंड का प्रोपोगेशन होगा वो विल बी सेम एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहां मैं लिख देता हूं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है यानी कि वही रूल लगेंगे कि कोई इंसिडेंट रे आई बीच में बना नॉर्मल और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे गई तो इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टेड इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया थीटा आई इंसिडेंस एंगल और उसके बाद नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया एंगल आर तो दोनों की वैल्यू एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है ये सेम रूल यहाँ पर फॉलो होने वाला है उसी के साथ साथ जैसे मेरा कौन केव ठीक है इस तरह से कौन केव और ये जो कॉन वैक्स सरफेसेस थी जिनके ऊपर अगर ऐसे साउंड पड़ती थी तो कौन केव के ऊपर जब साउंड पड़ती थी तब तो क्या होता था स्टूडेंट्स ये इस तरह से एक फोकस के ऊपर जमा हो जाती थी ठीक है जिसको हम क्या बोलते थे कन्वर्जिंग प्लेन बोल देते थे क्या बोलते थे इसको कन्वर्जिंग प्लेन तो साउंड भी ऐसी होगी जब कौनकेव सतह होगी वहां पर तो वहां पर साउंड अगर रिफ्लेक्ट होती है वहां पर टकराती है तो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी तो जब आपको क्या करना हो साउंड का एम्प्लीफिकेशन करना हो ठीक है या फिर साउंड का फोकस करना हो या कंसंट्रेशन करना हो तब तो आप किस तरह की सरफेस प्रोवाइड कराओगे वहां पर एक कौन केव सरफेस प्रोवाइड करा दोगे ठीक है कि, किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको साउंड को कंसंट्रेट करना है तो आपको सतह जो कैसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी सरफेस यानी कि एक कोन के प्रोवाइड करानी पड़ेगी और अगर आपको साउंड को बहुत दूर तक फैलाना है तो आपको कैसी सरफेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी इस तरह की कॉन वैक्स टकराने के बाद साउंड इस तरह से फैल जाती है ठीक है तो इससे हम सरफेस प्रोवाइड करा देंगे कॉन वैक्स तो याद रखना जब भी आपको साउंड को ऐसे कन्वर्ज करना हो ठीक है उसके एनर्जी को बढ़ाना हो तो यानी एम्पलीफाई करना हो तब कैसी सरफेस प्रोवाइड कराओगे कौन के वो फैलाना हो स्प्रेड करना हो एक्सपेंड करना हो तब कौन वैक्स सरफेस आप करा प्रोवाइड कराओगे ठीक है प्रोपोगेशन के जो रूल्स हैं वो विल बी सेम एज रूल्स ऑफ ऑफ लाइट जो कि हम में सीख लेते हैं तो वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है उसके बाद कुछ टर्म्स हैं हमारे पास आपने सुना होगा एक्ो रिवर्ब ठीक है हालांकि जो अगर म्यूजिक के फील्ड से है उन्होंने तो जरूर सुना होगा एको और रिवा अपन बोलते ना पर अरे बहुत इको आ रहा है साउंड का बड़ा इको आ रहा है तो इको को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं हमने एक बड़ा सा रूम लिया ठीक है इस रूम के अंदर पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है इस पर्सन ने जैसे ही बोला तो बोलने की वजह से उसके क्या होंगी साउंड वेव्स निकलेंगी अब साउंड वेव भी क्योंकि वेव्स हैं तो उनके अंदर वेव फ्रंट वगैरह बनते हैं ठीक है लाइट की तरह हो रहा है, वेव फ्रंट बनते हैं और जिनके वेव फ्रंट के इन पार्टिकल्स को अगर मैं मिलाऊं तो इस तरह से मेरे को एक वेव मिल जाएगी तो ये वेव फ्रंट के जो वेव है इस तरह से टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाएगी ठीक है बिहेवियर देखिए क्या क्या होगा या तो साउंड मेरी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है और कुछ जो साउंड होगी यहां पर ऐसा मटेरियल ऐसा होगा उसकी वजह से ये साउंड थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी हो सकती है ठीक है या तो साउंड क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर इसी में से आगे इसका प्रपोगेशन हो जाएगा एनर्जी का काब्जॉर्ब करके प्रोपोगेट कर देगा जैसे हमारी खिड़कियों वगैरह के केस में होता है ठीक है तो साउंड के तीन पार्ट हो सकते हैं या तो डायरेक्ट प्रपोगेशन हो सकता है ठीक है या रिफ्लेक्शन हो जाएगा या फिर यहाँ पर एब्जॉर्बशन हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड वापस इसके कान तक तो सुनाई देगी इस भाई के जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है उसके कान में सुनाई देगी आवाज अब जैसे आवाज सुनाई दी तो आवाज़ जो इसने बोला ठीक है और जो आवाज़ वापस सुनाई दी अगर उसके अंदर एक बटे पंद्रह सेकेंड एक सेकेंड के पंद्रहवें हिस्से से ज़्यादा ठीक है गौर से सुनना एक सेकेंड के पंद्रहें हिस्से से ज़्यादा का समय लग रहा है ठीक है जिसे हम बोल देते हैं टाइम डिले ठीक है टर्म आगे टाइम डिले टाइम डिले का मतलब है जो आवाज़ गई ठीक है टकराई और वापिस आई तो उस आवाज के जाकर वापस टकराकर आने में लगने वाला जो समय होता है ना जो टाइम होता है उसे हम बोल देते हैं टाइम डिले और अगर ये टाइम डिले के जो वैल्यू है वो वन बाई फिफ्टीन सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो हमारा ह्यूमन ईयर है उन आवाजों के बीच में उसे फर्क पता लगने लग जाता है उसे लगता है कि ये दोनों अलग अलग आवाजें हैं अगर इससे कम टाइम होता है तो उसे फर्क नहीं पता लगता उसे लगता है एक ही आवाज है तो वही सेम साउंड सुनाई देती है लेकिन ये टाइम अगर ज्यादा है ठीक है बहुत टाइम बाद उसे सुनाई तो उसे लगता है कि उसे एक एक नया इफेक्ट आ रहा है एक अलग सी साउंड आ रही है तो इस अलग सी साउंड को ही हम क्या बोल देते हैं? एको या फिर इको कह देते हैं हैं इको या फिर कह ठीक है है आपके ऊपर डिपेंड करता आप कौन सा प्रोनाशिएशन यूज करना चाहते हैं मैं जनरली एको बोलता हूं इसे ठीक है तो अगर याद रखना आपको एक बटे पंद्रह सेकेंड से ज्यादा का समय हुआ तो आप आवाज के अंदर पहचान नहीं कर आवाज के अंदर इजिली पहचान कर पाएंगे दो आवाजों के बीच में तो उसे हम क्या कह देंगे हमारा एको कह देंगे ठीक है तो इसे मैं इरेज कर देता हूं यहां पर ठीक है तो यही एको के बारे में लिखा हुआ है लेट मी चूज माय पेन तो इको या फिर एकोज एक तरह के क्या होते हैं रिफ्लेक्शन होते हैं किस चीज के साउंड के जैसे बाय डायग्राम मैंने आपको समझाया था ना साउंड गई वापस आने में एक बटे पंद्रह सेकेंड से ज़्यादा का समय लग गया तो हमें एक अलग सी साउंड सुनाई देती है उसी को क्या बोल दिया एक्ो बोल दिया ठीक है एक्ो का एग्जाम्पल अगर आपको सुनना हो तो आप कहीं पहाड़ियों वगैरह में जाते हो बड़े से रूम में जाते हो या फिर कुएं के अंदर वेल के अंदर भी आपने ऐसे आवाज़ लगाई होगी कि हेलो तो आपको थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है ठीक है एक सेकंड का कोई को पांचवा छठा हिस्सा हो सकता है लेकिन एक सेकंड के पंद्रवें हिस्से से तो ज़्यादा ही होता है वो ठीक है तो आपको इजीली वहां पर सुनाई देती है एक ठीक हैल है है? साथ -साथ होगा उसके अंदर भी एको सुनाई देता है एको का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ट्रू एको ठीक है इसे क्या बोलते हैं ट्रू एको और ये क्या होता है इट इज सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सोर्स जो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था ना उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिखाए थे कि एक रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है जा जा रहा रहा है है अगर साउंड गई उसका एक ही सिंगल रिफ्लेक्शन हमारे पास आया है तो उसकी वजह से जो एक प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स ट्रू ट्र्यू कह देते हैं ठीक है उसे क्या कह देते हैं ट्रू एको और ये जो टाइम डिले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जनरली इसकी वैल्यू वन बाई फिफ्टीन सेकंड से ज्यादा होती है हालांकि ह्यूमन ईयर जो होता है वो एक बटे दस सेकेंड से अगर कम टाइम लग रहा है तो दो आवाजों के बीच में बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाता लेकिन फॉर द सेफ साइड ऑफ कि उसका इफेक्ट हमें क्लियरली कब हमारे को ऑडिबल होने स्टार्ट हो जाता है मैं बोलने वाला था। लेकिन कान की बात चल रही है आवाज की बात चल रही है तो ऑडिबल कहेंगे एक्ो का इफेक्ट कब क्लियरली ऑडिबल होगा हमें जब टाइम वन बाई फिफ्टीन सेकेंड से ज्यादा हो जाए ठीक है अब यहाँ पर देखिए कैन बी एक्सप्लेन एज वेव दैट हैज रिफ्लेक्टेड बाई डिस

रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है साउंड की वेव गई ये वेव फ्रंट चल रहा था इसका तो साउंड की एक वेव गई टकराई टकराने के बाद वापिस आई और अगर इसके अंदर सफिशियंट एनर्जी है ठीक है क्योंकि कोई भी चीज है उसके अंदर क्या होती है एनर्जी होती है वेव चल रहा है तो उसके अंदर एनर्जी होगी राइट एम्पलीट्यूड होगा उसका कुछ अगर इसके पास सफिशियंट एम्पलीट्यूड है यानी कि एनर्जी है और इसने वो डिस्टेंस को कवर कर लिया है और इसका जो टाइम लग रहा, है, वन बाई से आ रहा है, इसका है तो आप समझ गए इसके बारे में कुछ वैल्यूज दे रखी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बताई दी थी ठीक है इन वैल्यूज के बारे में किससे ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए और एक् कब नहीं सुनाई देगा

और जो डिसकन्टीन्यूटी आ रही है यानी कि एक सॉलिड सरफेस या फिर कोई वॉल वगैरह आ रही है जहाँ से वो आवाज़ टकरा के आने वाली है उनके बीच में टाइम कितना लगना चाहिए तो एक टेम्परेचर की रेंज ले ली कि पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो मोशन होता है वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी होती है 343 मीटर पर सेकंड उसके हिसाब से अगर किसी पर्सन और उस वॉल के बीच में 11.3 मीटर की डिस्टेंस होती है तो उसे वो एको सुनाई देगा, ठीक है? इतनी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें उस एको के सुनाई देने के लिए वरना अगर रूम बहुत बड़ा है तो क्या होता है कई बार वेव यहां से साउंड गई ठीक है प्रपोगेट हुई दूसरी सरफेस से आई अलग प्रपोगेट होकर फिर इसके पास गई ठीक है छत से भी टकरा गई दूसरी दीवार से भी टकरा गई फिर इसको सुनाई दे रही है तो ऐसा फील होता है कि वहां पर एक् आ रहा है और इसके लिए रूम का खाली होना बहुत जरूरी है और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब कमरा खाली होता है या फिर छतें बहुत ऊंची होती हैं तब हमें घर में आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं आया समझ आपको तो होप्सो आपको समझ आ गया अगर नहीं आया तो एक बार लेक्चर को पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए यूट्यूब पर हमेशा रहने वाला है ये ओके दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर फिर एक न्यू टर्म आती है रिवर्ब ठीक है आपको रिवर्ब के बारे में समझाता हूं मैं तो रिवर्ब का एग्जाम्पल देता हूँ आप कभी सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे तो गाना सुनने के बाद आपको पीछे एक हल्की सी आवाज़ आती होगी जैसे किसी ने कुछ भी वर्ड गाया है तो थोड़ी देर के लिए एक हल्की सी आवाज़ आती है तो जो एकदम किसी के चुप होने के बावजूद भी थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए सुनाई देती है तो वो वाला जो इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं रिवर्बेशन या फिर सिंपली रिवर्ब कह देते हैं ठीक है तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में यहाँ पर कि द परसिस्टेंट ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर स्पेस इवन आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ दैट साउंड इज कॉल्ड रिवर्बेशन और रिवर्ब ठीक है जनरली हमारे को एक जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है या फिर कोई लेक्चर वगैरह दे रहा होता है या फिर कोई वहां पर टेडेक्स वगैरह के आपने देख होंगे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके बोलने के बाद आवाज एकदम कट नहीं होती है ठीक है उसे कट ऑफ बोलते हैं वो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं कट ऑफ अगर आवाज़ एकदम कट हो जाए लेकिन आवाज उनके एकदम कट नहीं होती तो है तो कानों के लिए अच्छा रिवर् अब रिवर्व में क्या हुआ एनर्जी टकराई यानी कि वेव टकराई और कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी है और धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाती है टाइम के साथ में और लास्ट में कम होते होते एक या दो सेकंड में कम होते होते उसका धीमा होता हुआ इफेक्ट हमें कानों में सुनाई देता है जनरली जो कानों के लिए प्लीजिंग इफेक्ट होता है रिवर्ब का वो जरूरी होता है गानों वगैरह के के अंदर कोई के अंदर कोई परफॉर्मेंस वो जनरली रखा रखा जाता है दो सेकंड से कम तक अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन लगने लग जाता है तो इसका रिवर्ब का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है रूम की या फिर स्टूडियो की अकोस्टिक डिजाइन के लिए अगर आप कुछ बोल रहे हैं और बोलने के बाद जैसे ही चुप हो गए आपकी आवाज बिल्कुल कट होगी तो भी साउंड का इफ़ेक्ट एकदम अच्छा नहीं आता क्योंकि हम जो जो अकोस्टिक और साउंड एनाल इंसुलेशन का डिज़ाइन पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह के हिसाब से भी देख रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें हर बार कट ऑफ भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही साउंड इंसुलेट हो रही है हमें थोड़ी सी साउंड ज़्यादा भी चाहिए थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए थोड़ा सा इफ़ेक्ट चाहिए कि मैंने कोई गाना वगैरह गाया तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हर लाइन के बाद हर शब्द के बाद थोड़ा सा इफेक्ट एक सेकंड के लिए डेढ़ सेकंड के लिए इतना सा तो जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है ना वही रिवब भी हमें जरूरत पड़ती है ठीक है आप देखते हैं कि कुछ लोग जो माइक वगैरह में गाते हैं आजकल परफॉर्मेंस काफी चलने लगी है इस तरह से रो एक माइक लगा के गाना वगैरह गाते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कुछ स्पेशल सा इफेक्ट लगता है कि आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है तो वो वाला जो इफेक्ट होता है ना उसे एक्ो नहीं कहते उसे बोलते हैं रिवब और रिवब एक तरह से बहुत सारे एक् की ग्रुपिंग होती है ठीक है कि बहुत सारे एक्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया और इकट्ठे को थोड़ी देर के लिए सुनाओ जिनकी एनर्जी जिनकी आवाज धीरे धीरे कम होती रही वो वाला इफेक्ट रिवर्ब कहलाता है मेरा तो और है, वो है अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि साउंड का जब प्रोपोगेशन होता है तो एक तो क्या होगा सॉलिड सरफेस से वो तो रिफ्लेक्ट हो सकती है या तो वो रिफ्लेक्ट होगी ठीक है टकरा के चली गई इस तरह से देखिए एक वॉल बनाई पर्सन भी बना देते हैं बोल रहा है भाई ये तो इस तरह से साउंड का प्रपोगेशन हुआ अब या तो मेरी साउंड यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है या फिर क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी एबजॉर्ब यानी कि उसकी ऊर्जा को वो अपने अंदर समा लेगा ठीक है यानी कि मान लीजिए कि एक ऐसा मटेरियल हमने प्रोवाइड करा दिया उसके अंदर क्या है कैविटीज हैं ठीक है कैविटीज यानी कि खाली जगह छिद्र एक तरह से पोरस सरफेस है ठीक है कैसे है वो पोरस है तो जब साउंड इसके ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा अब मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि बीच में हवा भरी हुई है आपको पता है हवा के अंदर लाइट तो साउंड को प्रपोगेट होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि मटेरियल पास पास में नहीं है कण उसके पास पास में नहीं है क्योंकि साउंड का प्रोपोगेशन ही कैसे हुआ वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोपोगेशन कैसे हुआ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से अब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो उसको वाइब्रेट होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अब ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी उसकी तो ज्यादा दूर तक प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा इसलिए हम क्या करते हैं एक तरह का पोरस जगह प्रोवाइड कराते हैं जो कि क्या करेगी खाली जगह जिसके अंदर छिद्र होंगे पोरस सरफेस और पोरस मटीरियल जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल एज ए सिविल इंजीनियर अगर मैं आपको बताऊं हम मल्टी स्टोरी या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग आपने देखा होगा उसके अंदर यूज करें डबल एसी ब्लॉक जिनको क्या बोल देते हैं ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स ठीक है ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट एरेटेड यानी कि इसके अंदर हवा के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और आपने देखोग इतना बड़ा इसका जो ब्रिक का ब्लॉक होता है ना उसको उठा के देखोगे तो पांच छह किलो का लगता है बहुत बहुत हल्का फील होता है है देखने में तो बहुत बड़ा लगता लेकिन हल्का फील होता है क्यों? क्यों क्योंकि उसके अंदर एयर के छोटे छोटे बबल्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए एयर एंट्रेनिंग एजेंट के थ्रू जो कि आपने कॉन्क्रीट और बिल्डिंग मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ा होगा ठीक है तो वही एयर एंट्रेनिंग एजेंट की वजह से एयर बबल है तो वो क्या करते हैं पोरस सरफेस प्रोवाइड की तो नॉइस कैंसिलेशन रिडक्शन अब्जॉर्बशन का काम करते हैं वहां पर ठीक है तो एक तरह से वो मटेरियल होता है की के से हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? है? एक रबर फोम और मेलामाइन स्पंजेस तो आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक तरह की स्पंज की जो कंस्ट्रक्शन होती है जैसे आपने देखा होगा स्पंज तो उस तरह का खोखला पोरस छोटे छोटे छिद्रों वाला छोट छोटे छोटे छेद वाला ठीक है पोर्स वाला तो वैसा जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं पोरस एब एब्जॉर्बर और किस तरह से एब्जॉर्ब को रिडक्शन करता है वो आपको मैंने बता दिया और काम किस लिए आते हैं जो मेन आपको पॉइंट याद रखना है दीज आर हाईली इफेक्टिव फॉर मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसीज ठीक है किसके लिए इफेक्टिव होते हैं मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है लिए. और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती किसके लिए लो फ्रीक्वेंसी के लिए लो फ्रिक्वेंसी मतलब हमारी जो भारी आवाज़ होती है जैसे मेल वॉइस होती है वो लो फ्रिक्वेंसी वॉइस होती है यानी कि भारी वॉइस होती है और वहीं जो फीमेल वॉइस होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस होती है यानी कि ऊंची आवाज़ की वॉइस होती है जिसे आप हाई पिच वॉइस भी कह देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पोरस एब्जॉर्बर होंगे वो तीखी जो साउंड होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है मीडियम से तीखी साउंड आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ और लेकिन जो भारी आवाजें होंगी उनको एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाएगा अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए और दूसरे एक बार मैं आपको बता दू मेरे पास एब्जॉर्बर कौन से थे दूसरे थे रेजोनेंट एब्जॉर्बर ठीक है अब रेजोनेंट एब्जॉर्बर किस तरह से डैम्प करेंगे कि बेसिकली ये क्या कर देंगे साउंड वेव का रिफ्लेक्शन कर देंगे कि आपने कमरा बनाया ठीक है बाहर इसकी वॉल आपने इस तरह से ऐसी प्रोडक्ट करा दी वॉल और सीलिंग मेनली जो साउंड प्रूफिंग या एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना वो मेनली किया जाता है फॉर सीलिंग छत के लिए मेनली फॉर सीलिंग ठीक है तो बेसिकली क्या करते हैं बाहर से जो साउंड है उसको सिंपली इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया तो उसकी तरह इन्होंने इसकी डैम्पिंग कर दी डैम्प करना किसी चीज को यानी कि उसके अंदर वैल्यू की कमी लाना क्या बोलते हैं डैम्पिंग

पोरोसिटी के ऊपर की पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर छेद जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा 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 एयर एयर बबल बबल होंगे जितने साउंड के के लिए एनर्जी 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 जितनी एनर्जी खर्च होगी तो आगे वो साउंड पहुंच ही नहीं पाई तो उसका एब्सॉर्बेशन हो गया ठीक है आप मटेरियल जितने ज्यादा थिक लगाओगे तो नंबर ऑफ पोर्स उतने ज्यादा हो जाएंगे मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा आप डेंसिटी कम रखनी पड़ेगी वहां पर ठीक है डेंसिटी को क्या रखना पड़ेगा कम क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे पास पास आ जाएंगे पास पास होंगे तो मटेरियल को वो साउंड का तो अच्छा हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए हमें साउंड का प्रपोगेशन अच्छा नहीं चाहिए तो उसके लिए डेंसिटी को कम रखना पड़ेगा ठीक है तो ये थे हमारे टाइप ऑफ अब्जॉर्बर्स अब हम पढ़ेंगे साउंड प्रूफिंग के बारे में ओके सो लेट मी चूज माई पॉइंट है साउंड प्रूफिंग क्या प्रोसेस होती है आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड प्रूफिंग तो साउंड प्रूफिंग का मतलब है कोई एक सोर्स था इसको मैं एक एक बार मिटा देता हूं कोई एक मेरे पास क्या था थिंक एक सोर्स था ठीक है मान लीजिए कोई पर्सन ही चिल्लाई जा रहा है दिखाए तो खुश है चिल्ला तो नहीं रहा होगा गाना ही गा रहा होगा बट अज्यूम कर लिया कि चिल्ला रहा है इस तरह से साउंड का प्रोपोगेशन हो रहा है तो ये सोर्स है और दूसरा कहीं रिसिपियंट होगा इधर पर्सन बैठ के क्या कर रहा है अपनी पढ़ाई कर रहा है चेयर पर बैठ के ठीक है ये अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है के समझ लीजिए टेबल पर बैठ कर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो रोसोर्स और रिसिपियंट के बीच में जो साउंड को मैं किस तरह से कम कर सकता हूं उसकी जो स्टडी होती है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं साउंड प्रूफिंग या रिसोर्स और रिसिपियंट के बीच में किसी भी मीन्स के थ्रू मैं साउंड की कमी ला रहा हूं उस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा साउंड प्रूफिंग कह दूंगा ठीक है अब एक चीज बताइए साउंड प्रूफिंग आप कैसे कर सकते हो ठीक साउंड प्रूफिंग वैसे तो जरूरत होती है कि एक रूम में देखो दो बच्चे एक ही घर में दो बच्चे पढ़ाई कर रहा है तो दोनों एक को अपार्टमेंटल रेजिडेंशियल बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग, बिल्डिंग होगी उनके अंदर एक साउंड दूसरी जगह पर ना जाए कि नॉइज ना क्रिएट करे किसी को डिस्टर्ब ना करे तो उस डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए साउंड प्रूफिंग जरूरी हो जाती है किस तरह से कर सकता हूँ रिसिपेंट को दूर बिठा दो कि मेरा जो सोर्स है ग्राउंड फ्लोर पर अगर गाना गा रहा है तो को टॉप फ्लोर पर बिठा दो थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर तो उसके पाएगी मेरे पास क्या -क्या रह सकती है साउंड को रिड्यूस करने की साउंड प्रूफिंग करने की एक तो मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर देखिए अगेन हमें बार बार पेन चूज करना पड़ता है यहां एक तो मैं क्या कर सकता हूँ सीधा सोर्स और रिसीपेंट के बीच की डिस्टेंस ही बढ़ा दूंगा तो मेरे पास वहां पर साउंड की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ दो तरह के होते हैं एक तो क्या करता है एक तो रिफ्लेक्ट करेगा और दूसरा क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा रिफ्लेक्शन के लिए देखिए रिफ्लेक्शन कहा यूज करते हैं और एब्जॉर्बन कहा यूज करते हैं ये मेरा रूम है ठीक है ये मेरा रूम बन गया और रूम के बाहर की जो सरफेस होगी ना वो मैं क्या चाहूंगा वो मैं चाहूंगा हार्ड या फिर स्टिफ क्योंकि मटेरियल जितना हार्ड और स्टिफ होता है वो उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है ठीक है और जो अंदर का मटेरियल होगा वो मैं कैसा चाहूंगा पोरस या फ्लेक्सिबल ठीक है मटेरियल जितना पोरस और फ्लेक्सिबल होगा वो उतना ज्यादा साउंड को एब्जॉर्ब करेगा हार्ड मटेरियल क्या करेगा रिफ्लेक्शन और ये पोरस मटेरियल क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा तो मैं दो तरह के बैरियर प्रोवाइड कराऊंगा बाहर जो बैरियर प्रोवाइड कराऊंगा वो तो कैसा प्रोवाइड कराऊंगा हार्ड ताकि आने वाली जितनी भी साउंड है सीधी रिफ्लेक्ट होकर पूरी की पूरी चली जाए कुछ भी एब्जॉर्ब वगैरह ना हो ताकि अंदर आवाज ना पहुंचे ठीक है एब्जॉर्ब होकर प्रोपोगेट होकर अंदर आवाज ना आए और जो अंदर मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा वो कैसा प्रोवाइड कराऊंगा मैं पोरस और फ्लेक्सीबल ताकि अंदर जो भी शोर हो रहा है वो कमरे के बाहर ना जा पाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो हमारी एब्जॉर्बिंग फॉर्म होती है फॉर्मिंग मटेरियल देखा होगा ना आपने उस तरह की जो फॉर्म वगैरह प्रोवाइड की जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं हमारा फ्लेक्सिबल पोरस मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब करता है साउंड को ठीक है तो साउंड प्रूफिंग दो तरीकों से होगी एक तो कैसे होगा रिफ्लेक्शन से और दूसरा एब्जॉर्बशन से रिफ्लेक्शन हम कहाँ प्रोवाइड कराएंगे हार्ड सरफेस रूम के बाहर और जो हमारा पोरस और फ्लेक्सिबल मटेरियल वो कहा प्रोवाइड कराएंगे इंटीरियर वॉल ऑफ सर्फेसिस ठीक है और और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर डैम्पिंग कर सकता हूँ साउंड बैफल प्रोवाइड कराकर बैफल का बेसिकली मीनिंग होता है जैसे वॉल चल रही थी यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन प्रोवाइड करा दिया कोई भी वुड वगैरह का तो इसको बेसिकली हम बोल देते हैं बैफल अगर ये साउंड अब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का है तो इसे हम क्या बोल देंगे साउंड बैफल बोल देंगे और नेक्स्ट मैं कैसे कर सकता हूँ एंटी नॉइज नॉइज साउंड जनरेटर की मदद से कर सकता हूँ और न्यू टेक्नोलॉजी आप आजकल आपके पास आ रही है नॉइज कैंसलेशन की ठीक है नॉइज कैंसिलेशन अब नॉइज कैंसिलेशन और साउंड जनरेटर वगैरह क्या करते हैं एंटी साउंड जनरेटर कि आपने कोई साउंड निकाली ठीक है उसकी वेव कुछ इसको थोड़ा क्लीन करके बना देता हूं मैं यह आपके एक एग्जाम्पल है और यहां पर जगह भी है तो यहां पर समझा रहा हूं मैं किस तरह से नॉइज कैंसिलेशन काम है आपकी जो साउंड वेव थी उसका प्रोपोगेशन कुछ इस तरह से हो रहा है ठीक है ये इसका क्या आ गया एम्पलीट्यूड यानी कि बेसिकली इसकी एनर्जी ठीक है अब इसकी एनर्जी है इसके लिए क्या कर दिया एनर्जी भी क्या होती है जैसे जीरो पाई बाय टू पाई इस तरह से इसका प्रपोगेशन होता है ये इसका फेज आ जाता है ठीक है इसकी फेज आ जाती है और इसकी ये जो लेंथ है

वेव डिस्ट्रक्शन का फिनोमिना होता है अगर आपने ट्वेल्थ में थोड़ा सा वेव जो एनालिसिस था हमारा ऑप्टिक्स थोड़ी सी ध्यान से पड़ी हो ट्वेल्थ के अंदर तो उसमें एक फिनोमिना होता था वेव डिस्ट्रक्शन तो वेव डिस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या हो गए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को सबड्यू कर देगी एकदम गायब कर देगी हटा देगी तो उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देती ऐसे लगता है कि आवाज ही नहीं आ रही जो ये हमारे माइक वगैरह होता है ना जैसे कि यहाँ पर आपको एक माइक दिख रहा होगा या फिर फोन के अंदर भी आपने देखा होगा आजकल उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा माइक दिया होता है जिसके लिए लिखा होता है दिस इज फॉर नॉइज कैंसिलेशन तो उसके अंदर ये सेम प्रिंसिपल से ये वाला जो वेव डिस्ट्रक्शन का फिनोमिना है इस प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं नॉइज कैंसिलेशन करते हैं ठीक है आपके लिए एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ठीक है कि नॉइज प्रूफिंग हमें क्या किस लिए चाहिए साउंड प्रूफिंग क्यों चाहिए ताकि जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने वगैरह गा रहे हैं या फिर ये प्रोड्यूसर वगैरह बैठे थे वो कुछ भी बातें वगैरह करें नीचे जो अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है वोकल रिकॉर्डिंग हो रही है उसको हिंडर ना कर पाए उसके अंदर डिस्टर्ब ना कर पाए क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनते हैं म्यूजिक हमें कैसा चाहिए एक पीरियोडिक मोशन के साथ जिसमें बीच में ऐसे कोई ठक ठक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए राइट कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी साउंड नहीं होना चाहिए नॉइज क्रिएट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमें साउंड प्रूफिंग एक रूम बनाना पड़ेगा ओके साउंड प्रूफिंग रूम कैसे बना सकता हूं मैं एक तो अकोस्टिक फॉर्म वहाँ पर डालकर ठीक है अकोस्टिक फॉर्म की आपको मैं इधर ड्राइंग डायग्राम दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या होती है अकोस्टिक फॉर्म आपने काफी जगह देखी भी होगी आजकल जो यूट्यूबर्स हैं अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्या रिकॉर्डिंग ये अकोस्टिक फॉर्म लगा के रखते हैं ठीक है तो आप समझ जाओगे उसे और एक अकोस्टिक एनवायरमेंट देने के लिए आप क्या कर सकते जो अंडे की ट्रे होती है ना हमारी एग ट्रे खाली एग वाली ट्रे उसको लगाकर आप क्या कर सकते हो वहां पर अकोस्टिक हो क्योंकि उसके बीच में जो होलो स्पेसेज होती हैं वो होलो स्पेसेस क्या करेंगी वहां पर एयर को फिल करके रखेंगी अब एयर है वहाँ पर आपको पता है जहां एयर आ गई सॉलिड मटेरियल नहीं है वहां क्या करेगा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है कैसे एब्जॉर्ब करता है वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ और बेसिकली एक यूजर को क्या करना है कोई भी एक रूम है ठीक है कोई एक रूम है उस रूम के बीच और जो बाहर के आउटसाइड या फिर सराउंडिंग वर्ल्ड है ठीक है जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ उसको क्या करना है नॉइज को एकदम कट कर देना है अब कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को नंबर ऑफ जो उसके अंदर ओपनिंग्स ओपनिंग्स का मतलब होता है खिड़कियां दरवाजे नंबर ऑफ ओपनिंग्स होनी चाहिए मिनिमम वहां पर एक बाहर बिल्कुल हार्ड सरफेस हो इनसाइड में हो पूरी फॉर्म वगैरह प्राइड की हो ओपनिंग्स कम से कम हो अब ये सब तो हम कर लेंगे लेकिन इसके बीच में एक हमें ए वगैरह भी बाहर रखने पड़ेंगे उनके डक्ट वगैरह हैं जो साउंड आ रही है ए के वो भी बाहर रखनी पड़ेगी ठीक है खाली उनका ए का जो इनलेट होगा जिसकी वजह से थोड़ी कूलिंग आ जाएगी वही अंदर रहेगी ठीक है फैन वगैरह भी नहीं लगा सकते तो पंखा चलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी तो इसमें ये सब तो लगा देंगे साउंड प्रूफिंग तो कर देंगे लेकिन एक प्रिकॉशन हमें एज ए सिविल इंजीनियर थोड़ी सेफ्टी का लेना पड़ता है इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं इसे बोलते हैं अकोस्टिक डीकपलिंग ठीक है इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं अकोस्टिक डी कपलिंग की एकदम उस रूम को बाहर के वर्ल्ड से हमने ब्रेक डाउन ही कर दिया पूरे मीन्स के थ्रू ठीक है उसको बिल्कुल बंद करके जिसमें एयर फ्लो तक को भी हमें कंट्रोल करना है हवा का जो फ्लो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना है लेकिन इसके लिए सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की हमें प्रोविज़न देना चाहिए क्योंकि कल को किसी भी रीजन से कुछ भी हो जाए उधर हमें एयर पासिस नहीं हो रहा ठीक है गैस हीटर यूज करें तो वहां पर ह्यूमिडिटी वगैरह डेवलप हो चुकी है वहाँ पर जो ब्रेथ वगैरह उसकी वजह से सीओ टू वगैरह आ चुकी है तो उनकी रिडक्शन के लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है वरना सफोकेशन की फीलिंग वहाँ आ जाएगी और जो डिज़ायर्ड पर्पज था उस रूम को अकोस्टिक रूम को क्रिएट करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा ठीक है नेक्स्ट नॉइज कैंसिलेशन क्या होता है और किस तरह से होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ जो हमने वेव डिस्ट्रक्शन पढ़ा है ना वही है नॉइज़ कैंसिलेशन इसके लिए देखिए आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है

और टू पाई पर इसका क्या हो जाता है एक साइकिल पूरा हो जाता है मैक्सिमम इसकी जो एनर्जी आती है कहाँ आती है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखो कहां रहा? पाई बाय पर और साइन पाई बाय टू यानी कि साइन नाइनटी डिग्री कितना होता है वन जो कि उसकी साइन के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो इसलिए इसको साइनस उडल या फिर साइन फंक्शन कह देते हैं हम यहाँ पर ठीक है तो नॉइज कैंसलेशन आपको समझ आ गया होगा ये है हमारे पास कुछ कॉम्पोनेंट अकोस्टिक साउंड प्रूफिंग पु के लिए ठीक है मैंने कहा था आपको मैं डायग्राम से दिखाऊंगा ताकि आप सिंपली समझ जाओ कि कौन कौन से मटेरियल हम जनरली यहाँ पर यूज करते हैं ओके तो यहाँ देखिए एक तो मेरे पास क्या है इस तरह का एक मिनरल वूल है आप कभी पुराने जमाने में थिएटर वगैरह में गए हो ठीक है बिल्कुल पुराने जमाने की बात करूँ इतना भी नहीं कि पैदा नहीं हुआ यानी कि आज से पंद्रह बीस साल पहले की बात कर रहा करूँ पंद्रह साल पहले मान लीजिए आप अगर आप थिएटर में गए हो तो वहां पर थिएटर के बीच में एक मटेरियल होता था वहां पर एक धागे धागे सी एक वूल हमें मिलती थी ठीक है जो कि सा डस्ट भी बोल सकते हैं डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा भी यूज कर लेते थे कई बार और लकड़ी के ऐसे धागे बनाकर वो भी यूज कर लेते थे और एक तरह का स्पेशल मिनरल वूल भी यूज किया जाता आपने कभी देखा होगा मटेरियल के बीच में ऐसे प्लेट लगी हुई है और उनके बीच में इस तरह का मटेरियल ठीक है वूल जैसा मटेरियल होता था तो वो साउंड प्रूफिंग के लिए पहले यूज किया जाता था आजकल जो यूज किया जाता है ये उसे यूज़ की जाती है अपोस्टिक फोम कभी भी आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे होंगे जिसमें वो लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है तो उसमें कभी नोटिस करना उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है अगर उसने क्रोमा स्क्रीन पीछे यूज़ नहीं की यानी कि ग्रीन स्क्रीन को यूज़ नहीं किया हुआ तो उसे किस तरह का ऐसे यूज दिखाई देता है आपको बैकग्राउंड ऐसा दिखाई देगा कभी नोटिस करना ये किसके लिए किया जाता है फॉर दी साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए ठीक है ताकि रूम मेरा साउंड प्रूफिंग रूम बन जाए बाहर की आवाज़ अंदर ना आए अंदर की आवाज़ बाहर ना आए ठीक है तो ताकि हमारे को जो भी यूट्यूब में वो वीडियो रिकॉर्ड करे एकदम क्लियर कट सुनाई दे वरना नॉइस वरनाशन वाले काफी हमारे पास माइक वगैरह भी आते हैं जैसे डिवाइस है आपके पास यहाँ पर ये डिवाइस देखिए ये एक माइक है जो नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है इसमें एक कंडेंसर दिया हुआ है ये कंडेंसर क्या करता है प्रॉपर नॉइज रिडक्शन का काम करता है जो एक स्पेसिफिक मान लीजिए कि तीस डेसीबल से कम की जो साउंड है ठीक है एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको तीस डेसिबल से कम की साउंड है अगर ये मैं ये कंडेंसर वाला माइक ना लगाता तो क्या होता कि आपको तीस डेसिबल से कम वाली साउंड भी सुनाई देती मेरी रिकॉर्डिंग्स में लेकिन जैसे मैंने कंडेंसर माइक यूज़ किया तो तीस डेसिबल से कम वाली जितनी भी साउंड होंगी आपको वो सुनाई नहीं देंगी तो ऐसा लगेगा कि एकदम क्लियर वॉइस आई है आपके पास ठीक है फैन की वॉइस फैन भी चल रहा है तो उसकी वॉइस पर आई थिंक आपको इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी जितनी अगर मैं इस बिना माइक को यूज़ किए बोलूंगा तो ठीक है अब देखिए अगेन यहाँ पर मैं प्रोपोगेशन का आपको जो साउंड का फिनोमिना था तीन फिनोमिना आपको मैंने डायग्राम से समझा भी दिए थे ऑलरेडी और यहाँ पर एक डायग्राम बनाओ एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाओ तो थोड़ा इस तरह से बनाना मेरे जैसे मत बनाना मैंने तो आपको जल्दी से समझाना था हमारा एक लिमिटेड टाइम का लेक्चर होता है तो उसलिए आपको जल्दी जल्दी में बताया तो एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया था ठीक है यहाँ डायग्राम देखिए नॉइज सोर्स था नॉइज सोर्स के तीन फिनोमिना हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है या तो रिफ्लेक्शन होगा जिसमें रिवर्व और इको दोनों आ जाएंगे ठीक है रिवर्ब और इको दोनों आ जाएंगे ये वाला इको मत लिख देना अभी मैंने ये लिख दिया था ये इको किसके लिए यूज होता है पर्यावरण या एनवायरमेंट के लिए ठीक है पारिस्थितिक तंत्र वगैरह वो जो टर्म्स यूज होती है वो वो वाला इको होता है हमारे लिए कौन सा एक् कौन सा हमारे लिए एको। एको में भी अगर एक् बहुत सारे हो गए तो रिवर्ब हो जाएगा यानी कि बेसिकली एक तरह का रिफ्लेक्शन ठीक है नॉइज सोर्स ऐसी दीवार से टकराई ये जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना इन्हें बोलते हैं साउंड के वेव फ्रंट इन्हें क्या बोलते हैं किसी भी वेव के वेव फ्रंट बोलते हैं वेव फ्रंट का मतलब इसके ऊपर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी ऊर्जा क्या है बराबर है ये एक वेव फ्रंट है ठीक है एक वेव फ्रंट के ऊपर ये जो मैं ब्लू ब्लू बार बार हाईलाइट कर रहा हूं इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल है ना उनके ऊपर की एनर्जी क्या है इक्वल है उनके ऊपर की एनर्जी क्या है इक्वल यानी कि वो एक ही टाइम पर रेजोनेट कर रहे हैं ठीक है उनके बीच का में वो एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर उसका साउंड का ट्रांसमिशन हो सकता है और इन्हीं तीन फिनोमेना का यूज करते हुए हम इको रिवर्व का यूज करते हुए म्यूजिकल रिकॉर्डिंग होती है म्यूजिकल रिकॉर्डिंग या फिर रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियोज होते हैं उनके लिए यूज कर लेते हैं इको रिवर्ब के लिए या फिर हमारे ऑडिटोरियम थिएटर्स हो गए उनके लिए आपको इको रिवर्ब की जरूरत पड़ती है ठीक है ट्रांसमिशन में क्या हो गया कि एक रूम में बैठे हैं वहां से आवाज दूसरे में ना जाए उसको रोकने के जो फिनोमिना है वो ट्रांसमिशन से कर दिया एब्जॉर्व वही साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए आपको ये दिखाए थे यहाँ पर अकोस्टिक फॉर्म यूज कर ली मिनरल वूल यूज कर ली साउंड प्रूफिंग ये पूरा रूम भी बना रखा है एक मिनट आपको एक चीज दिखाऊं आपने अगर कुछ नोटिस किया यहाँ पर ऊपर छत दिखाई दे रही है आपको इस तरह की छत को हम बोलते हैं फॉल सीलिंग ठीक है सच में झूठी की सीलिंग होती है एक्चुअल में होती नहीं पर माननी पड़ती है हमें तो एक्चुअल जो रूफ मेरी कंक्रीट की स्लैब है वो तो इतनी ऊपर रहती है ठीक है कंक्रीट की स्लैब इससे हम क्या करते हैं सस्पेंडर लटकाते हैं और उससे एक पतली सी हल्की सी पैनल वाली वॉल ठीक है अब ये पैनल किसी भी चीज़ के हो सकते हैं चाहे आप पी ओ पी के पैनल यूज़ करो यानी कि प्लास्टर के यूज़ करो या फिर फॉर्म वगैरह के पैनल यूज़ करो जैसे कि यहाँ पर पी ओ पी और फॉर्म का एक कॉम्पोजिट मिक्सचर का पैनल यूज़ किया जाता है जनरली साउंड प्रूफिंग के लिए तो ये जो पैनल यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं इस पैनल को बोलते हैं फॉल सीलिंग क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो हाइट कम होगी तो साउंड बहुत दूर तक यहाँ पर टकरा कर नहीं आ पाएगी ठीक है और टकरा कर टकरा के आने के लिए उसके बाद डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो इको वगैरह नहीं आ पाएगा ठीक है और आपको पता है रूम के अंदर जितनी जगह होती है इको और रिवर्व होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं तो उनको भी रिड्यूस कर लिया तो यहाँ पर देखो साउंड प्रूफिंग के लिए हमें साउंड प्रूफिंग मटीरियल एट द सीलिंग प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके लिए फॉल सीलिंग भी आप प्रोवाइड करा सकते हो ठीक है फॉल सीलिंग के साथ साथ यहाँ पर अकोस्टिक पैनल्स भी यूज कर सकते हो ठीक है अब इनका नाम हम क्या बोलेंगे अकोस्टिक पैनल्स अब साउंड ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे साउंड प्रो आपको क्या करना है साउंड की प्रूफिंग करनी है तो आपको साउंड के ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए तो साउंड का ट्रांसमिशन बेसिकली टू टाइप से प्रोड्यूस होता है हमारे पास एक तो होता है एयर एयरबोन और दूसरा होता है इम्पैक्ट से एयरबोन के अंदर जैसे कि मैं खुद बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इन पार्टिकल से टकराते हुए इस माइक पर पड़ रही है और बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल से आप तक पहुंच रही है वो तो वो कैसा प्रोपोगेशन हो गया एयरबोन ठीक है और उसके बाद दूसरा होता है इम्पैक्ट कि कोई फुट स्टेप से चल रहा है पैदल चल रहा है फर्नीचर को मूव कर रहे हैं तो कर कर की आवाज जो आती है आपको दम दम की आवाज ऐसी इस तरह से आती है तो वो वाली जो आवाज है इम्पैक्ट वाली इस तरह से किसी चीज को रखने की आवाज ठीक है सर मैंने ये ताली बजाई है तो वो वाली आवाज भी कैसे होगी इंपैक्ट नॉइज होगी तो इस तरह का हमारे पास दो तरह का ट्रांसमिशन हुआ और उसके बाद एक टर्म है हमारे पास यहां देखिए मेरे को साउंड प्रूफिंग में दो टर्म्स मिलेंगी एक तो कौन सा मिलेगा साउंड इंसुलेशन एक तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स साउंड इंसुलेशन और दूसरा साउंड एब्जॉर्बिंग साउंड इंसुलेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घर के बाहर की जो सरफेसेस होती हैं वो कैसी हम प्रोवाइड कराते हैं हैवी स्टिफ एंड हार्ड अब हार्ड हैवी स्टिफ हैं तो वो क्या करेंगे साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो रिफ्लेक्ट के फिनोमिना के कारण हम जो साउंड की कमी कर रहे हैं साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं उसे तो हम कह देते हैं साउंड इंसुलेशन और ऐसा मटेरियल ये जो पोरस मटेरियल हमने खोखला मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराया है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट कम से कम कर रहा है और उसको सोख रहा है उसकी ऊर्जा को उसकी एनर्जी को सोख रहा है तो वो जो फिनोमिना हो जाता है उसे हम बोल देते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग फिनोमिना और जो दोनों के लिए मटेरियल यूज होता है एक तो को बोलते थे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल दूसरे को बोलते थे साउंड एक को बोलते हैं साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल और दूसरे को बोलते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इनके बीच में आप एकदम कोरिलेट मत कर देना दोनों अलग अलग, अलग बातें है। है? के, के लिए कर रहे हो या फिर ऑटोमोबाइल्स ऑटोमेटिव गाड़ियां मशीनें वगैरह मशीनरी के लिए कर रहे हो उनके ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहले हम टाइप ऑफ साउंड प्रूफिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिडेंशियल यानी कि रहने के लिए जो पर्पज के लिए बिल्डिंग यूज की जाती है रेजिडेंशियल अगर अपने पुराने लेक्चर देखे हो तो आप समझ गए मतलब पर्दे एक पर्दा आपको दिखाई दे रहा होगा. ये पर्दे भी क्या काम करते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं ठीक है या फिर आप वहां पर इस तरह के एयर चेंबर प्रोवाइड करा सकते हो जिनके अंदर हनीकोम स्ट्रक्चर हो हनीकॉम यानी अगेन एक पोरस स्ट्रक्चर जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है किस तरह से खोखला होता है तो उस तरह की पोरस एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं कैविटी वॉल प्रोवाइड करा सकते हो ठीक है जैसलमेर वगैरह में जो हमारे होल्स बने हुए हैं ठीक है सिटी होल बने हुए हैं तो उनके बीच में भी कैविटी वॉल प्रोवाइड की गई है या फिर पुराने ऑडिटोरियम जितने भी बनते थे उनके बीच में कैविटी वॉल यानी कि एक दीवार ली दूसरी दीवार बनाई और उनके बीच में कोई भी साउंड प्रूफिंग या साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भर दिया या फिर उसको खाली छोड़ दिया तो इस तरह से उसके ऊपर बाद में ऐसे छत वगैरह बना दी तो एक कमरे की एक घर के दो दीवारें हैं ठीक है एक दीवार तो क्या कर रही है जो अंदर है दूसरी दीवार बाहर धूप से बचा रही है साउंड से बचा रही है तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम बोल देते हैं कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन ठीक है ये कैसा कंस्ट्रक्शन है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन बीच में आप चाहे फॉर्म प्रोवाइड कराओ सोडस प्रोवाइड कराओ मिनरल वूल प्रोवाइड कराओ आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर फॉर्म प्रोवाइड कराने खाली छोड़ना है ठीक है जितनी आपको वहां पर साउंड एब्जॉर्बिंग करानी है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा तो रेजिडेंस के अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद अब एक दिक्कत देखो क्या आती है मेन इनकी दिक्कत कर्टेन्स की ये जो तो कर्टेन है आपने देखा कर्टेन्स को हम साइड में चिपका नहीं सकते हैं ठीक है कर्टेन को आप साइड में कैसे चिपकाएं वॉल के साथ कैसे चिपकाएं या तो वेलक्रो अरेंजमेंट जैसे आपने देखा होगा कि आपको यहां दिखाता हूं मैं लेट मी शो दिस वेलक्रो अरेंजमेंट टू यू या तो आप क्या प्रोवाइड करा सकते हो इस तरह के ये देखिए ये अरेंजमेंट होता है ना जिसमें इस तरह छोटे छोटे रेशे बाहर निकले होते हैं और उसको बाद में चिपका देते हो ऐसे हाथों और चिपक जाता है या तो आप दीवार पर ये चीज प्रोवाइड करा सकते हो वरना तो ये खुले रह जाएंगे और जहां पर एयर का पासिस दिख गया थोड़ा सा पास दिख गया वहां से क्या हो जाएगी साउंड प्रपोगेट हो जाएगी और आपको वहां पर शोर वगैरह आना शुरू हो जाएगा ठीक है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कर्टेंस की लिमिटेशन क्या है अगर दूसरी है ओपनिंग्स ठीक है ओपनिंग्स के अंदर हमारे पास डोर्स और विंडो आ जाती है डोर के लिए तो जनरली हम क्या करते हैं कि वहां पर डोर थोड़ा सा थिक भी रहता है और डोर के लिए वुडन मटेरियल यूज होता है और वुड खुद एक अच्छा साउंड प्रूफिंग मटेरियल है ठीक है साउंड प्रूफिंग के लिए आप वुड या फिर कोर्क यूज कर सकते हो फ्लोरिंग अगर आपको साउंड प्रूफिंग बनानी है तो आप क्या यूज करोगे कोर्क फ्लोरिंग यूज करोगे कोर्क दो देखा होगा ना शैंपेन की बोटल्स आपने देखी होंगी मूवीज वगैरह में तो उनके बीच का जो ढक्कन लगा होता है जिसे ऐसे करके खोलते हैं तो वो होता है कोर्क ठीक है उसकी जो फ्लोरिंग होती है ना वो भी एक पोरस मटेरियल रहता है तो उसकी अगर फ्लोरिंग बनाओगे तो एकदम साउंड प्रूफिंग आपको वहाँ पर फ्लोर प्रोवाइड हो जाएगा जो कि हमारे थिएटर वगैरह के अंदर पुराने थिएटर होते थे उनके अंदर कोर की फ्लोरिंग यूज होती थी आजकल तो कॉम्पोजिट मटेरियल हम यूज़ करते हैं एक सिंगल मटेरियल यूज नहीं होता कॉम्पोजिट यानी कि एक से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके वो यूज़ किए जाते हैं फॉर दी बेटर अरेंजमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ अकोस्टिक डिजाइन ठीक है दूसरा आप क्या कर सकते हो कि डोर वगैरह का तो ध्यान रख लिया रोड के बने हुए थे खिड़कियों का क्या करें खिड़कियां तो शीशे की होती हैं उनमें तो ग्लास पेन होते हैं तो आप क्या कर सकते हो सिंगल पेन विंडो की जगह डबल पेन विंडो प्रोवाइड करा सकते हो दो खिड़कियां करानी है ठीक है एक ही घर में जैसे यहाँ पर ये कैविटी वॉल थी ना इनको मान लीजिए इस तरह से आपको एक की जो वुड का फ्रेम चल रहा था उसके अंदर आपको दो पैनल प्रोवाइड कराने है एक तो बाहर वाला और दूसरा अंदर वाला तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होगा उसे आप क्या बोल दोगे डबल पेन विंडोज ये तो क्या रहेगा इसको तो आप खोलो जब मन करे जब खोलना है नहीं खोलना आप ऊपर या नीचे करके साउंड एब्जॉर्बेशन का काम कर सकते हो ठीक है तो इसे हम बोलते हैं डबल पेन विंडो अरेंजमेंट तो ये क्या करता है साउंड साउंड डैम्पनिंग का काम अच्छे से ठीक है है नेक्स्ट हमारी कमर्शियल कमर्शियल प्रूफिंग अब मतलब हमारे को जिनसे थोड़ा सा पैसा वगैरह बन सकता है वो बिल्डिंग कमर्शियल तो रेस्टोरेंट हो गया हमारे स्टूल स्कूल से इसमें हो गए स्कूल्स मेनली तो एजुकेशनल बिल्डिंग का पार्ट होते हैं ठीक है लेकिन इसे हमारी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर भी इंक्लूड किया गया है ठीक है फॉर दी साउंड प्रूफिंग परपज ओनली बट बाकी स्कूल्स हमारे एज एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का पार्ट्स हैं ठीक है हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी ये हमारी मेडिकल सर्विसेज का पार्ट है इन्हें इनको सबको मैंने एक साथ ही कंबाइन करके कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर कमर्शियल साउंड प्रूफिंग में लिख रखा है क्योंकि इनकी जो साउंड प्रूफिंग होती है वो एक साथ एक ही तरीके से की जाती है डिजाइन के हिसाब से ये सारी किस्में आ जाती है कमर्शियल साउंड प्रूफिंग में आ जाती है वैसे हम इनको कमर्शियल में नहीं रख सकते

लेस नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करेंगे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी वरना शोर वगैरह हो रहा हो रहा होगा तो माइंड के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है ठीक है अगर साउंड बहुत ज़्यादा हो जाए ना साइकोलॉजिकल के साथ में ऐसा इफेक्ट भी पड़ता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है वन ट्वेंटी टू शायद वन फोर्टी डेसीबल से ऊपर साउंड एकदम अनबियरेबल हो जाती है ठीक है आपने देखा होगा कि आपके जो ईयरफोन्स होते हैं उनके ऊपर कभी देखना बैक पैनल पर लिखा होता है कवर पर हंड्रेड डेसीबल मैक्सिमम साउंड तो वो डिसाइडेड है कि हंड्रेड डेसीबल से अगर ऊपर साउंड जाती है तो आपके कानों पर नुकसान पहुंचता है और डीबी से डिनोट है को, को करते हैं डेसीबल्स डेसी बल्स तो डेसीबल के अंदर मेजर कर दिया हंड्रेड डेसीबल से ज्यादा की साउंड को बहुत ज्यादा टाइम के लिए सुना तो परमानेंट या फिर टेम्परिंग लॉस यानी बहरापन हो सकता है आपको ठीक है तो ज्यादा ईयरफोन तेज चला के गाने मत सुना करो ठीक है बहरे हो जाओगे टाइम से ही फिर कोई बुलाएगा तो सुना ही नहीं देगा ओके और जनरली आजकल ऑफिस बिल्डिंग के लिए आजकल पता है क्या करने लग गए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबको ईयरफोन देने लगे हैं हल्का हल्का सूदिंग म्यूजिक पीछे चला लो जिसके कारण ये ऑब्जर्व किया गया है कि हल्का सूदिंग म्यूजिक चलता है तो वहां पर वर्क प्लेस के अंदर प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है ठीक है बाकी अगर किसी वर्क प्लेस पर शांति रहती है तो वो भी अच्छा ही है ठीक है तो प्रोडक्टिविटी उससे भी बढ़ जाती है थर्ड है हमारा इसमें और लास्ट वन वे इज माई पेन थर्ड वन इज फॉर ऑटोमेटिव साउंड प्रूफिंग बेसिकली मशीन के लिए अब मशीन में कुछ भी हो सकता है गाड़ियां टायर वगैरह कुछ भी चलेगा ठीक है एग्जोस्ट देखो प्राइमरी इंजन एग्जोस्ट टायर वगैरह नोज किया है तो उनकी भी हमें साउंड प्रूफिंग करनी पड़ती है अब आपने यहाँ देखा तो ऑटोमेटिव एन्वायरमेंट लिमिट द थिकनेस ऑफ मटेरियल अब ऑटोमेटिक जो एनवायरमेंट होगा ना उसमें हम कितनी भी ऐसे, ऐसे नहीं है कि इतना थिकनेस का मटेरियल प्रोवाइड करा दो तो उसमें साउंड प्रूफिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक की नॉइज़ इस तरह से होती है कि साउंड प्रूफिंग का जो मटेरियल आने वाला है उसकी मटेरियल की थिकनेस लिमिट हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा प्रोवाइड कराने पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपको कॉम्बिनेशन डालने पड़ते हैं वहां पर किन किन चीज़ों के डैम्पर के बैरियर के और एब्जॉर्बर के ठीक है डैम्पर बैरियर के कॉम्बिनेशन किया गया जा सकता है इन सब के को यूज करके, तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक साउंड प्रूफिंग अब मटेरियल देखिये हम कौन कौन सा यूज किया जाता है हमारा तो मटेरियल देखो एक अकोस्टिक मिनरल वूल जिसके एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था तो अकोस्टिक मिनरल वूल इस तरह का एक मटेरियल जो कि एक नॉन फ्लेमेबल मटेरियल है अगर फ्लेमेबल होता है एक तो बीच में कैविटी वॉल हवा भी खूब अच्छी खासी है तो जब आग लग जाएगी तो थिएटर वगैरह में आग लग जाएगी दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए तो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल बनाने की रिक्वायरमेंट थी इसलिए इसको कैसा बनाया गया नॉन फ्लेमेबल मटेरियल बनाया गया उसके साथ कैसा हो है ये मटेरियल एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर आप भी कोई मटेरियल अपनी तरफ से रिसर्च पर्पज़ में भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बीच में दो पॉइंट मेन होने चाहिए सिर्फ साउंड प्रूफिंग नहीं करना चाहिए दो मेजर पॉइंट कौन से होने चाहिए एक तो क्या वो नॉन फ्लेमेबल ताकि फायर से बचा जा सके और दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली उसके अंदर बाइंडर यूज किया होना चाहिए ठीक है अब इसकी डेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि अलग अलग डेंसिटी के जो हमारे पास मिनरल वूल होंगे उसके हिसाब से आपकी अलग अलग साउंड प्रूफिंग हो जाएगी और मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं सीलिंग के लिए छत के लिए ठीक है सेकेंड है हमारे पास साउंड ब्लोकर किल्ट सेकेंड क्या है हमारे पास साउंड ब्लॉकर किल्ट तो ये थोड़ा सा सुपीरियर टाइप का मटेरियल है सुपीरियर अल्टरनेटिव है मिनरल वूल से और सुपीरियर थोड़ा महंगा भी होगा उसके बाद इसकी साउंड प्रूफिंग की एफिशिएंसी देखो चार गुना ज्यादा होती है हमारे मिनरल वूल से कि अगर मिनरल वूल क्या कर रहा है एक डेसिबल के साउंड का रिडक्शन कर रहा है तो मेरे पास जो साउंड ब्लोकर किल्ट है वो कितना करेगा फोर डेसीबल तक का वहां पर साउंड एब्जॉर्बन कर देगा ठीक है तो और ये भी किसके लिए यूज किया जाता है बेटर डिग्री ऑफ साउंड इंसुलेशन थ्रो ए सीलिंग देन साउंड ब्रोकर केल्ट इज आइडियल कि अगर आपको वहां पर सीलिंग के लिए साउंड इंसुलेशन चाहिए तो मेरा साउंड ब्रोकर केल्ट है वो क्या हो जाता है आइडियल हो जाता है थर्ड वन पढ़ू मैं रेजिडेंशियल बार के बारे में तो रेजिडेंशियल बार बेसिकली मेरी फ्लेक्सिबल बार्स होती हैं जो कि बार क्या करती हैं कि टिम्बर स्ट्रक्चर और जो मेजनरी या फिर प्लास्टर बोर्ड या फिर ब्रिक के जो कंस्ट्रक्शन है उनके बीच में एक तरह की कैविटी वहां पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है और मैंने आपको बताया कि मेरा जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होता है वो फ्लेक्सिबल होता है बेसिकली फ्लेक्सिबल या एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो आ, मेरा पोरस मटेरियल होगा वो क्या करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं तो एब्जॉर्बिंग फिना से मेरी रेजिलियंट जो बार होती है वो क्या करती है साउंड प्रूफिंग का वहां पर काम करती है ठीक है ये देखिए यहाँ पर किस लिए यूज होता है हेल्प स्ट्रक्चर बोन साउंड एंड द ऑफ एनी

हैवी रहता है और सी हमारा हाइयर मास होता है इसके पास और साउंड प्रूफिंग मेनली सीलिंग के जो साउंड प्रूफिंग का काम करता है तो आपने जो पैनल वगैरह देखे होते हैं ना तो उसमें कई बार अकोस्टिक प्लास्ट प्लास्टर बोर्ड का भी यूज किया जाता है ठीक है और हमारा जो लास्ट हम मटेरियल यूज करेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से ठीक है इतना ज़्यादा डिटेल में हमारे को साउंड इंसुलेशन और साउंड प्रूफिंग के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम एक बार इसको यहीं एंड करेंगे हाँ इसमें डिज़ाइन ऑफ अकोस्टिक होल वगैरह और हम पढ़ने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लास्ट टॉपिक फॉर हमारा साउंड ब्लॉकर एयर पार्टिकल्स होते हैं एयर बबल टाइप से ठीक है वो क्या करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं तो एक तरह की मैट बिछा दी जाती है ठीक है अलग अलग मैट को कट करके शीट को कट करके साइड में जो हमारी जो रेजिले उनके बीच में बंद करके ऊपर प्लास्टर बोर्ड की तरह चिपका दी जाती है सीलिंग पर कहीं पर और जो इसके डबल लेयर चिपकाएंगे ना अगर दो लेयर के अंदर चिपकाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये साउंड प्रूफिंग मटेरियल का काम करती है तो ये हमारी क्या होगी साउंड ब्रोकर मेमब्रेन ठीक है तो होप्सो बच्चों आपको कुछ समझ आया होगा कहीं पर कोई डाउट आता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं और आपका जो भी फीडबैक है इसके लिए अच्छा लगा बुरा लगा आपको तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं तो होप्सो यू है एंजॉयड द सेशन आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो